बड़वानी जिला मुख्यालय पर किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों को संबोधित किया। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल भी शामिल हुए। कार्यक्रम किसानों को सम्मानित भी किया गया, वहीं किसानों के खाते में राशि भी डाली गई। पत्रकारों से बात करते हुए पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल काफ़ी आक्रामक नजर आए और उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेघा पाटकर पर हमला करते हुए कहा कि मेघा पाटकर लोगों के बीच बड़ी बनती है लेकिन कभी बड़ी नहीं बनी। उन्होंने मेघा पाटकर पर भी किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। बड़वानी से अतुल कुमाऊँ की रिपोर्ट। देखो, सरकार के आदेश पे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नियमानुसार जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार जो गलत फेमी करके भड़का रही है, इस कारण से पूरे भारत देश में ये कार्यक्रम हो रहा है। आप सब लोगों ने सुना है जिस प्रकार से मोदी जी ने दूध का दूध और पानी की बात लोगों को समझाई गई है, उस हरियाणी मेधा पाटकर हमेशा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात करती थी, लेकिन आज वही उसके विरोध में धरने पर बैठी हुई है किसान। देखो, मेघा पाटकर अपने आप को बड़ी बनना चाहती है पर कभी जनता के आगे बड़ी नहीं बन पाती। नर्मदा घाटी, नर्मदा माँ के लिए भी कई वर्षों तक उन्होंने आंदोलन किया। क्या हुआ, जो हुआ है वो आप सब लोग जानते हैं। जिस प्रकार से मिल जाता है चली जाती है और ऐसे मौके आते हैं तो और आ जाती है। ये काम है मेघा पाटक का, और दूसरा काम क्या है, बरगला रही है क्या किसान, लोगों को भड़का रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।